अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। मॉर्निंग में बनाने वाली हूँ जो नाश्ता, आगे वो सारा वीडियो ज़रूर देखें। ये सिंपल रेसिपी है, घर में बेसिक सामान से बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो ये रेसिपी को ज़रूर देखें। हल्दी 5 फोड़न, सूखा मिर्चा, कच्चा मिर्चा, तेज़पत्ता, जीरा पाउडर, आलू और चना दाल को बॉईल कर ली हूँ। पैन में डालो तेल, मैं कढ़ाई में चढ़ा रही हूँ क्योंकि ये उबलता है और फूटता है तो हाथ में गिर जाता है। पहले डाली हूँ तेज़पत्ता, फिर इसमें कूट ली हूँ अच्छे से, मतलब कूट लेती हूँ तो उसका स्वाद ज़्यादा बेहतर आ जाता है क्योंकि इसमें तो ज़्यादा कुछ गिर नहीं रहा है। अदरक लहसुन का पेस्ट और डालूँगी उसमें नमक, मुश्किल से मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ, मेरा कैमरा लगने का ढंग का जगह नहीं है किचन में, सारा बॉटल्स भरा हुआ है, चिमनी का शोर होता है। और थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें हिंग। मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वॉचिंग आवर्स प्लीज़ बढ़ाएं। पानी डाल के, सारा मसाला डाल के इसमें पहले अच्छे से भून लूँगी मैं। आज आए थे मेरे दो भाई, जी हाँ, दोनों मुझसे छोटे हैं, 6 मंथ के दोनों छोटे हैं, बट मैं बड़ी फील करती हूँ उनके सामने। एक का नाम है फैज़ान, एक का नाम है जुनैद। दोनों ही, हम दोनों मतलब शमशाद को लेके इंक्लूडिंग शमशाद, हम तीन चारों का बचपना में बहुत अच्छा बाउंडिंग था। हम लोग खेलते कूदते थे क्योंकि मेरे उम्र की लड़की कोई नहीं थी मेरे पूरे ख़ानदान में, सिर्फ एक बहन थी, फूफी की बेटी, एक मामा की बेटी। मामा की बेटी जब जाती थी तो बात होता था और बाकी फूफी की बेटी जब आती थी, तो अदरवाइज़ कोई लड़की नहीं थी मेरा उम्र की मेरे पूरे ख़ानदान में, तो भाई लोग के साथ में ही मेरा बाउंडिंग बहुत अच्छा रहा है बचपना में। और अभी भी इतना अच्छा बाउंडिंग है कि हम लोग हर बात शेयर करते हैं भाई बहनों में। ये हम लोग सब भाई बहनों का ये खासियत है कि हम लोग जब बैठते हैं तो टाइम पता ही नहीं चलता है, तो हर भाई बहन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बाउंडिंग रखना चाहिए। लास्ट में मैं डाल ली हूँ चीनी और डाल के सारा चना दाल और आलू को बॉईल कर ली थी, डाल के मिला दी, है ना कितना ईजी। पानी डाल के अच्छे से फुटा लो, वो ऊपर नीचे पूरा मिक्स हो जाएगा, बन जाएगा और खाओ पूरी रोटी किसी के साथ भी, पराठा के साथ में भी। तो अल्लाह हर भाई बहनों का रिश्ता इसी तरह अच्छे से दोस्ती के जैसे रखे, शादी होने के बाद भी भाई और बहनों की, है ना। तो रहा दिन, दो दिन ऐसे ही जा रहा था। कल अलीना को लेकर गई थी पार्लर, ब्लॉग तो देखे ही होंगे। बना रही हूँ पूरी, आटा है 1 कप, मैदा है 1 कप, सूजी है 1 कप, थोड़ा सा है चीनी, थोड़ा सा है नमक और थोड़ा सा है काला जीरा, 1 पिंच डाली हूँ इसमें सोडा, डाल के चटक ली हूँ। बहुत अच्छा बनता है, ऑयल फ्री बनता है, कसम से ये ऑयल फ्री बनता है एकदम भी, मतलब ऑयल रहता नहीं और फूलता भी बहुत अच्छा है। तो ये तीनों मिला के बनाइए, अधिक आटा और सूजी रहेगा, 1 मुट्ठी डालेंगे इसमें मैदा। देख सकते हैं मेरा पूरी कितना अच्छा बना, ये आगे भी मैं डाली हूँ ये वीडियो को। तो हो गया है दोपहर, आया है मच्छी, नाम मुझे भी नहीं मालूम, फर्स्ट टाइम आया है, मतलब फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं, नहीं तो बेसिकली आपा ही बनाती हैं। पालक का सब्जी, चिकन का बनाएंगे कटलेट और बनेगा पालक बैंगन का सब्जी। मच्छी को पहले मैं फ्राई कर ली थी और अम्मी के लिए बनाना था बिना टमाटर का, उनका अलग से बना और बाकी सब का टमाटर वगैरह डाल के। तो ये हो रहा था लंच, जरा मरा जो हम खाते हैं वो ज़रा ज़रा मैं डाल रही थी, पालक काट के मैं रखी थी। पालक मुझे बहुत अच्छा लगता है बट पनीर के साथ भी अच्छा लगता है। हो गया है मेरा मच्छी रेडी, दोपहर में सोई नहीं, पढ़ रही थी किताब, आप लोग को पता होगा ये वाला किताब मैं पढ़ रही हूँ। आज था जुमेरात का शाम हो गया तो मैं सूरह मुल्क पढ़ती हूँ, सूरह जुमा पढ़ती हूँ, सूरह सजदा पढ़ती हूँ और पढ़ती हूँ सूरह कहाफ। ये पढ़ना बहुत अच्छा है, सूरह कहाफ का फजीलियत ये है कि दचालियत से बचा जाता है। हो गया है शाम, माहिर खा रहा है मैगी, क्या बोला माहिर, आप लोग तो सुन रहे होंगे। और आए थे मेरे भाई, मैं कहीं थी ना, तो देखिए मेरे दोनों भाइयों को, क्या खाएंगे, मैगी 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 मैगी। ये कौन बनाया, तेरी आंटी, कौन आंटी, जुगू आंटी, मेरे बोल क्या क्या बोले। हेलो गाइस, आई एम ईटिंग चिकन कटलेट्स, हिंदी में बोल, नो आई एम नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश।
फिर डालेंगे देन आप बोलिए। हाँ, आपका कटली बहुत सुंदर है और बहुत स्वादिष्ट है, हमको बहुत अच्छी लगी है। सुनिए ना, सुनिए ना, कबाब लड़की नहीं अच्छी लग रही है जो आपको। कबाब फिर शादी कब करेगा भाई? अभी देर है, अभी देर है। पहले अच्छा नेताजी का पहले कराएंगे। जी हाँ जी हाँ, नेताजी की लड़की मिलेगी इस साल? मिल जाएगी, नहीं 2022 चला जाएगा, 2023 में मिलेगी भाई इंशाल्लाह, मिल जाएगी। इस साल ही पलटी हो जाएगी, 2022 तक मिल जाएगी, 2023 तक हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा 23 के अंदर में नेताजी का। अच्छा आप घुमाए आपके तरह, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कितना मस्ती किया। मैं आई उसके बाद और ये लोग कराटा क्लास से लेने, कराटा हो गया कंप्लीट, अब चले हैं घर। मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वाचिंग टाइम को प्लीज़ बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़।